Why तारक मेहता का उल्टा चश्मा is failing? There's a three reason. First, comedy genre. ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमें क्यों पसंद था? Because of their comedy. But now, social message ने comedy की जगह ले ली है. देखें, social message होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपनी comedy को ही change कर दें. अच्छा environment दिखाने और society में members की आपस में मोहब्बत दिखाने के लिए इन्होंने जेठालाल और भीड़े की लड़ाई के सीन्स ही खत्म कर दिए हैं. दूसरा, नो इनोवेटिव स्टोरीज. पुरानी कहानियों को पेला ही जा रहा है, जैसे कि पोपटलाल की शादी हो या फिर तारक मेहता का डाइट प्लान. ना ही कोई नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि पोपटलाल की बीवी हो सकती है, जैसे कि मेहता साहब और अय्यर भाई अभी तक चाइल्डलेस हैं, और टप्पू सेना भी अभी तक स्कूल के जमाने से बाहर ही नहीं आ रही है. और वी ऑल नो दैट अगर इनोवेशन नहीं होती तो हाल नोकिया वाला हो जाता है. और मुझे लगता है तारक मेहता के उल्टा चश्मे को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो है वागले की दुनिया. थर्ड रीजन, लेजेंड्स लीविंग. तारक मेहता के वो कैरेक्टर जिनको हमें देखने की आदत हो चुकी है, जिनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही ऑसम थी, वो छोड़ के जा रहे हैं. वैसे तो सारे कैरेक्टर ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन दो कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा मेन थे वो है तारक मेहता और दया भाभी, जिसकी वजह से सारा शो जेठालाल के कंधों के ऊपर ही है. तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठीक करके वापसी सक्सेस हासिल कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. शुक्रिया.